का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुक्ला खबर दल से। जहां पर देश भर में आज इंटरनेशनल वुमेन डे बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इंटरनेशनल वुमेन डे पर दिल्ली में INA में आयोजित समारोह में दिल्ली सरकार की तरफ से एक खास कार्यक्रम आयोजित किया गया। दिल्ली सरकार के सांस्कृतिक कला विभाग की ओर से दिल्ली के INA में महिलाओं के लिए समर्पित कार्यक्रम किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर मनीषा सक्सेना प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ ने शिरकत की। साथ ही मौके पर मौजूद रहे गेस्ट ऑफ ऑनर स्वाति शर्मा, IS सेक्रेटरी टूरिज्म मौजूद रहे। के न्यूज की टीम से बात करते हुए मनीषा सक्सेना ने बताया कि आज वुमेन डे पर INA में आयोजित इस कार्यक्रम में एक नई शक्ति का आभास हुआ है। देश भर में कल इंटरनेशनल वुमेन्स डे धूमधाम से मनाया गया। दिल्ली के INA में आयोजित हुआ कार्यक्रम देश भर में धूमधाम से मनाया गया। इंटरनेशनल वुमेन्स डे दिल्ली के INA में आयोजित हुआ समारोह, कई महिलाओं ने भी किया प्रतिभाग। मनीषा सक्सेना PR सेक्रेटरी हेल्थ IS ऑफिसर भी रही मौजूद। महिलाओं को समर्पित रहा यह कार्यक्रम। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से एक तो सभी महिलाओं और सभी पुरुषों को भी मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं। दिल्ली हाट में आज पर्यटन विभाग जो दिल्ली सरकार का है, दिल्ली टूरिज्म और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये मिला जुला एक सेलिब्रेशन है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से हम लोगों ने एक वुमेन्स हेल्थ चेकअप कैंप लगाया है। यहाँ दिल्ली पुलिस का जो ऑल वुमेन बैंड है वो परफॉर्म कर रहा है और कल्चरल प्रोग्राम है, और उसमें साथ में जो देविका मंगलामुखी एक ट्रांसजेंडर आर्टिस्ट हैं वो परफॉर्म करेंगी। तो पूरा दिन एक फेस्टिवल की तरह मनाने का पूरा प्रयास है, और ये सिर्फ दिल्ली हाट INA में नहीं, ये तीनों दिल्ली हाट में किया गया है। वुमेन्स डे का प्रोग्राम हम इसलिए करते हैं कि महिला सशक्तिकरण ही केवल हमारा मेन फोकस ना हो, महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे कैसे बढ़ चुकी हैं उस पर हमारा फोकस है। सो दिल्ली टूरिज्म ने जो आज प्रेजेंटेशन की, जिसमें आज हमने देविका जी का भी प्रेजेंटेशन किया, वो इसलिए था कि अगर हम टूरिज्म की बात करते हैं और इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करते हैं तो पुरुष समाज, नारी समाज, सारे बच्चे, बड़े, बूढ़े सब एक साथ जब आगे चलते हैं तभी दिल्ली प्रगति कर पाएगी। थैंक यू। मनीषा सक्सेना मेरे साथ इस समय मौजूद है। आज वुमेन्स डे के अवसर पर क्या कहना चाहेंगी? बस मैं सभी महिलाओं से यही कहना चाहूंगी कि एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे को सपोर्ट करें और हमेशा खुश रहें। आज के सेलिब्रेशन के लिए कैसा था? सेलिब्रेशन बहुत अच्छा था, और ये सेलिब्रेशन साल में सिर्फ एक दिन नहीं, हमें अपने आप को हमेशा हर रोज सेलिब्रेट करना चाहिए। समय देने के लिए धन्यवाद मैम। यहाँ हमारे साथ मौजूद इनके साथ बात करेंगे आज के वुमेन्स डे के लिए। बताइए, वुमेन्स डे का प्रोग्राम हम इसलिए करते हैं कि महिला सशक्तिकरण ही केवल हमारा मेन फोकस ना हो, महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे कैसे बढ़ चुकी हैं उस पर हमारा फोकस है। सो दिल्ली टूरिज्म ने जो आज प्रेजेंटेशन की, जिसमें आज हमने देविका जी का भी प्रेजेंटेशन किया, वो इसलिए था कि अगर हम टूरिज्म की बात करते हैं और इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करते हैं तो पुरुष समाज, नारी समाज, सारे बच्चे, बड़े, बूढ़े सब एक साथ जब आगे चलते हैं तभी दिल्ली प्रगति कर पाएगी। थैंक यू। समय देने के लिए धन्यवाद। तो देखिए, इस तरह से जिस तरह से आप देख सकते हैं कि दिल्ली सरकार ने एक वुमेन्स डे पर एक बेहद रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया हुआ है, जिसको लेकर हमारे साथ यहाँ जो है दोनों अतिथि बात करते हुए नजर आए। दिल्ली से के न्यूज के लिए अफशा खान।